जी भैया, गुड आफ्टरनून। सॉरी थोड़ा सा शोर होगा क्योंकि बारिश हो रही है और मैं अपने बैकयार्ड में बैठा हुआ था। काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे, एक हफ्ते से ज़्यादा के कमेंट्स और ईमेल्स काफ़ी जमा हो चुकी हैं। अब मुझे पता नहीं है कि इस बारिश में क्या नाम है, कितनी आवाज़ मेरी सही आ रही होगी। तो चलें कमेंट्स की तरफ चलते हैं, इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि बारिश किस तरह इस तरफ होता हो तो आपको इधर का नज़र आएगा। ये अच्छी खासी पीट पकड़ ली है बारिश ने, और बारिश जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो होनी तो रहमत चाहिए थी लेकिन वो जहमत बनी हुई है। इसी तरह बांग्लादेश में, इंडिया में कई जगह मानसून की वजह से जो तूफान वगैरह आया है, तो अल्लाह पाक रहमत करे उन लोगों पे जिनका नुकसान हुआ। अल्लाह पाक उसकी उनको आसानी करे, उस सामान नुकसान की भरवाई, और जो लोग मर गए अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। तो चले, ज़रा काफ़ी कमेंट्स जमा हो गए थे, बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था अपने क्या नाम है कुछ ना कुछ का। बारिश जो है ना, ये जो गर्मियों की बारिश होती है कभी तेज़ हो जाती है कभी हल्की हो जाती है। चले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। वीडियोस मेरे पास कम से कम 8-10 वीडियोस हैं जो लोड करने वाली हैं। एक अभी इजिप्शियन मेला था, इजिप्शियन मेले की थी, तो वो मुझे अभी डालनी है, तो आज उसको मैं लोड कर दूंगा। लेकिन बीच में एक आध कमेंट्स ऐसे आए कि मैंने कहा कि भाई चलो उनका जवाब भी दे दूं, तो उसके लिए फिर मुझे ओह माय गॉड आई कैन नॉट गो आउटसाइड। हम कई जज्बाती होके मैं चला गया और बारिश इतनी शदीद हो रही है कि भीग गया। अच्छा, छप्पन चूरी में ही टाइम निकल जाएगा। चले मैं कॉमेंट्स की तरफ आता हूँ। शांतानु त्यागी ने कहा, आनंद है सर, आनंद है सर, वहाँ जीवन इन कंपैरिजन टू आवर थर्ड वर्ल्ड। आई अंडरस्टैंड योर डू सफिशिएंटली सर, प्लीज़ मेरा नाम ले दें आप नेक्स्ट वीडियो में सर प्लीज़। रिगार्ड शांतु फ्रॉम न्यू दिल्ली। हे थैंक यू वेरी मच जी, आपने यू वॉच माय वीडियो, आई अप्रिशिएट दैट। चले जी, बारिश रुक गई, लेट्स गो। ये होती है बारिश। तो मैंने कहा चलें आप लोग यहाँ का मौसम भी देखें। खूबसूरत मौसम है, जिस बादलों से अंदाज़ा आप लगा लेंगे। पानी देखें कैसा, छत के ऊपर से पानी कैसा। तो ये सुबह से बारिश आज हो रही है, और ये मैं सिर्फ इधर पे, ये मेरी कुर्सी, लो जी आज कुर्सी भी मेरी भीग गई। अच्छा जी, तो चलें उनकी तरफ चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल कंपैरिजन टू लाइफ इन जनरल बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पर, यहाँ लाइफ बहुत है। गोरे ने अपना काम किया तो आज सुकून से है, गोरे ने डैम बनाए तो आज सुकून से है, बारिश यहाँ रहमत बन जाती है। कितनी भी बारिशें हो जाए, कितनी भी बर्फ़ पड़ जाए, यहाँ कुछ नहीं होता। 18-18 इंच भी पड़ी है बर्फ़, इमरजेंसी होती है, बिल्कुल हो जाती है, कुछ घंटों के लिए इमरजेंसी हो जाती है, या लाइट भी चली जाती है, 2-3 दिन चली जाती है जब विंटर में क्या नाम है। ओह वाह, अब तक मैं ये 2 टमाटर खा चुका हूँ, ये अब निकल आए हैं, और चेरी टोमेटोस। अच्छा, तो यहाँ एक सिस्टम बनाया है तो उसका फल जो है आने वाली पीढ़ियाँ खा रही हैं। होता यही है कि एक पीढ़ी काम करती है तो दूसरी पीढ़ी खाती है। हमारी जो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सब कॉन्टिनेंट एज ए होल, हमारी क्या नाम है ऊपर वाली पीढ़ियों ने काम ही नहीं किया, वो सिर्फ इंडस्ट्रियां खड़ी करते रहे, या अपने मुरब्बों पे मुरब्बे, या किलों पे किले खड़े करते रहे। लेकिन आज हमारी जो नस्ल है वो पे कर रही है। लेकिन यहाँ ऐसा सच नहीं है, यहाँ लोगों ने काम किया है और आज इसका हम लोग सब जो है ना फल उठाते हैं जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं। थैंक यू जी, मैंने आपका नाम ले दिया, तो दिस इज़ व्हाट यू वाज लुकिंग फॉर। उसके बाद के कमेंट पे चलते हैं। शारे खान ने कहा, आप के जॉब करते हैं और आप कब, यार मुझे थोड़ा सा उर्दू, रोमन उर्दू पढ़ने में दिक्कत होती है, आप क्या जॉब करते हैं और कब से कनाडा में हैं? मैं जी कनाडा में तकरीबन ऑफिशियली तो 26 साल से हूँ, प्रैक्टिकली 24 साल से हूँ। इससे पहले नॉर्थ अमेरिका में था, मैं शिकागो में तकरीबन 16, तो इन टोटल कह सकते हैं मैं 40 साल के का गेड़ा लेता हूँ, तो 40 साल से हूँ मैं यहाँ पर। और जिस तरह आजकल लोग डिंकी लगा के और ये वो, तो मैं तो इस तरह नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो हैं 70 से ही ख़राब होने शुरू हो गए थे, और जिसका जहाँ पर सिंह समाता था वो निकल जाता था। तो हम भी जो है
इंटर के बाद से ही गिरते पड़ते बीकॉम कर लिया था और उसके बाद ही निकल गए थे। तो मैं जो हूँ तकरीबन 82 से हूँ नॉर्थ अमेरिका में। क्या जॉब करते हैं? 35 साल मैंने रेस्टोरेंट का काम किया है, बाय एंड सेल का। यही अमेरिका में किया था और यही कनाडा में किया। और अब मैं पिछले 5 साल से रियल्टर हूँ। एक क्वेश्चन ये भी था कि जी आपने चले अपनी तरफ ही करें एक क्वेश्चन ये भी था कि जी आपने रेस्टोरेंट का काम क्यों छोड़ा? तो रेस्टोरेंट से मेरा शेयर हो गया था पूरा, मैंने अपना हिस्सा ले लिया था और आई डिड, ऊपर वाले का एहसान रहा मेरे साथ, मैंने बहुत अच्छा किया रेस्टोरेंट के अंदर आए। लेकिन रेस्टोरेंट का काम जो है ना, एक इस तरह का काम है जिसके लिए आपको एक किस्म की अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने वीकेंड्स की कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम है। तो इस वजह से मैं फिर रेस्टोरेंट से निकल आया, लेकिन आई टुक माई शेयर। देखिए अभी मेरी बेल किस तरह ना, ये हर विंटर आने से पहले ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक काट दी जाती है, ये पूरे समर में फिर इस तरह बढ़कर इस तरह हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा इरादा है कि मैं इसको नहीं काटूँगा। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। अब ये जो है ना इसका, अच्छा इशारे खान साहब ने कहा है कि जी रेफ्यूजी को क्या अलग रखते हैं कैंपस वगैरह में, प्लीज़ रिप्लाई। और इससे पहले भी इनका एक और कमेंट था गालिबन, चले इसी को जवाब दे देते हैं जी। रेफ्यूजी के सिलसिले में मैं पहले भी कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि इनका काम ये है कि अगर आप रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं, जब तक आपकी आइडेंटिटी असर्टन नहीं होती या डिक्लेयर नहीं होती, अक्सर लोग क्या करते हैं कि पासपोर्ट वगैरह फाड़ देते हैं, या जाली पासपोर्ट पे किसी के होते हैं या जाली वीज़े पे होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी मैं ये मोहम्मद याकूब नहीं हूँ बल्कि मेरा नाम मोहम्मद सफदर है। अब वहाँ पर उनको डाउट हो जाता है। जब वहाँ पर उनको डाउट हो जाता है तो फिर वो वहाँ पर क्या करते हैं कि आपकी सही आइडेंटिटी पता करने के लिए आपको फिर वो होल्ड कर लेते हैं, वो फिर आपको जाने नहीं देते। अब आपको क्या नाम है अपनी, मेरा ख्याल है यहाँ रख के देखा जाए, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है वो दूर से खड़े होकर बात करते हैं। मेरा इसका जब स्टैंड है तो मैं क्यों ना इसका स्टैंड का मैं फ़ायदा उठाऊँ। सॉरी व्यूअर, मैं सियाणा बन रहा हूँ, अगर कैमरा गिर गया तो आप लोग मुझे पे करेंगे, क्योंकि मुंडेर छोटी सी है, चले यहाँ खड़े होकर बात हो सकती है। अच्छा, तो जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं पता लग जाती उस वक्त तक आपको, ये भी सुना है कि होटल में रखते हैं, ये भी सुना है कि इनके अपने जो होल्डिंग सेल होते हैं इमिग्रेशन के, लेकिन अमेरिका की तरह मेन जेल में नहीं रखते, ये तो मुझे पता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे आपका आंसर जो है आपको मिल गया होगा, लेकिन वो उस वक्त तक आपको जाने नहीं देंगे जब तक आप एम्बेसी से या कहीं से भी अपनी जो है ना आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर देते कि आप सही मानों में मोहम्मद सफदर ही हैं। एक नाम बता रहा हूँ जो असली आप हैं। तो ये है का? नहीं सर, वो बनी नहीं बात, मुंडेर पे लगाने वाली है। अच्छा जी, इसके बाद का डॉक्टर नियाजी उस्मानी ने कहा है, बहुत खूबसूरत भाई, अल्लाह आपको सेहत दे। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इसके बाद टिम वाइट ने मुझे कहा है, सो ब्यूटीफुल प्लेस, ये मेरी वीडियो थी कोई मिसागा वगैरह के बारे में होगी। शुजाव साहब ने कहा वेरी नाइस वीडियो, थैंक्स। अच्छा जी, वॉल्वो वॉल्वो है या योलो है? काश आपकी बर्ड्स भी इस लेक पर होते, ये मेरी एक वीडियो थी अभी मैंने लेक के ऊपर एक बनाई थी। जी हाँ बिल्कुल, मुझे बर्ड्स का बहुत शौक है, एवरीबॉडी नोज, मैं कई वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ और अपने वीडियोज़ में दिखाया भी है। इस वाला ये जो कमरा, इसका आधा जो है केजेस बने हुए हैं आधे उसमें, और इस वक्त मेरे पास जो है वो कबूतर हैं, और कोई मेरे पास बर्ड्स नहीं है। अच्छा, रह गई बात जिस बर्ड के बारे में उन्होंने कहा था कि उनको छोड़ दो, और भी कई लोगों ने मुझे कई वीडियोस में जिक्र किया कि आप इन बर्ड्स को क्यों रखते हैं। अच्छा, ये जो बर्ड्स हैं जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, कानियर है जिस तरह, या काकटेल है, कानियर काकटेल, अफ्रीकन ग्रे, अमेजन, अलेक्जेंडर, बजीज, लव बर्ड्स, फिंच कनेरीज, ये बर्ड्स सारी ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं, और ये जितनी भी बर्ड्स हैं ये सारी पैदा ही कैप्टिविटी में हुई हैं। यहाँ पर इनके बाप दादा, परदादा, परदादा के भी परदादा, सब ये केजेस में ही पैदा हुए हैं। तो जिस तरह की कैनेडियन क्लाइमेट है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं इनको छोड़ दें। ओ भाई, इनको छोड़ तो देंगे, ये मर जाएंगे इसी बैकयार्ड में, इसी तरह बैकयार्ड में। अगर मैं यहाँ पर पिंजरा रख दूँ और छोड़ दूँ उसको कुछ अरसे के लिए, कहीं ना कहीं से कोई जो है ना पालतू परिंदा आके बैठ जाएगा। इवन लोगों के साथ इस तरह हुआ, लोग चलते हुए जा रहे हैं और तोता आके उनके कंधे पे बैठ गया, बिकॉज ही कैन नॉट हंट द फूड।
उसको हम ही लोगों ने खाना खिलाया है, हम ही लोगों के हाथ से वो पला है। मैं एक इन जनरल आदमियों की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं इनको नहीं छोड़ा जा सकता। कई लोग हैं मुझे कह चुके जी बर्ड को छोड़ दे छोड़ दे। हाँ इंडिया पाकिस्तान हो वहाँ छोड़ दें, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि शायद वहाँ पर चल जाए। इस कनाडा की क्लाइमेट में ये सारे ट्रॉपिकल बर्ड्स जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो मेरी ये वंस फॉर ऑल है इस सिलसिले में कि इन बर्ड्स को नहीं छोड़ा जा सकता, ये बर्ड्स बाहर नहीं रह सकते स्वाय पिजन एंड डव्स। पिजन एंड डव्स जो है ना यहाँ की कनाडा की हार्श क्लाइमेट में भी रह जाती हैं, फाख्ता जिसे कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ होती हैं फाख्ता की। अच्छा वो जो कैप्टिविटी की फाख्ता है जिस तरह डायमंड है, रिंग नेक वाली है, या गोल्डन है, या सफ़ेद है, या ग्रे है, वो भी सब कैप्टिविटी की पैदा हुई हैं। तो उनको भी शायद छोड़ना मुश्किल हो। इसी तरह ये कबूतर जो होते हैं यहाँ पर स्वाय वो उड़ने वाले ये रेसिंग कबूतर जो होते हैं उनको छोड़ा जाता है, लेकिन जो वैसे होते हैं मोटे मोटे इतने बड़े बड़े, मैं अगर आपको अभी दिखाऊं तो इतना मोटा यानी कि मुर्गी के बराबर के कबूतर हैं, वो उड़ ही नहीं सकता। तो उनको छोड़ना जो है क्यों रखते हैं, एक क्वेश्चन ये था भाई मुझे शौक है। कई लोगों को बहुत बुरी बुरी लतें होती हैं, मालिक के ऊपर वाले का एहसान है कि मुझे उनमें से कोई लत नहीं है। तो आदमी को कहीं ना कहीं तो अपना स्ट्रेस निकालना होता है ना। आप मछलियाँ रखते हैं घर के अंदर तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। चलें जी नेक्स्ट कमेंट के बारे में चलते हैं। इनका क्या कमेंट था, विद्या शाह न्यू देसी प्लाजा थैंक यू, उन्होंने कहा न्यू ब्लॉग खालिद अंकल नाइस ब्लॉग, ये होप फाउंडेशन ने कहा थैंक यू जी। गौरव ने कहा है, गौरव सिंगला ने कहा है थैंक यू अंकल खालिद फॉर द इन्फॉर्मेशन, आई हैव बिन वॉचिंग योर वीडियोज फॉर लास्ट 3 to 4 years नाउ एंड लर्न अ लॉट अबाउट कैनेडा स्पेशली मिसागा, आई हैव रिसेंटली माइग्रेटेड टू कैनेडा विद फैमिली एंड होप टू मीट यू इन पर्सन सेम डे। ओ इंशाल्लाह जी वाई नॉट, मेरे काफ़ी लोग मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं, एक दिन आपां पार्टी कर लाँगे इकट्ठे बह जाएंगे। तो ठीक है जी ज़रूर डेफिनेटली स्टे इन टच, बेस्ट विशेज टू यू। अब तो काफ़ी लोग मिलने लगे हैं भाई। अच्छा जी एक और कमेंट है, असद राजा साहब ने कहा वर्षियों रिजमे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ। जी हाँ हेल्थ के चैलेंजेस हैं जी मेरे, मैं सर 65 क्रॉस कर चुका हूँ, ओल्ड एज खा रहा हूँ भाजी, गवर्नमेंट से वजीफे लग गए हैं और मालिक का बड़ा एहसान है। 28-29 तारीख का बड़ा इंतज़ार रहता है कि कदों आपां दे बैंक च चेक आऊगा, तो चेक आ जाता है जनाब, इतना दे देते हैं कि एक बुढ़ा जो है ना आराम से गुजारा कर लेता है, और अगर वही पैसा पाकिस्तान या इंडिया में ले जाएं तो ठाट की ज़िंदगी गुजारें। और ऐसा होता है यहाँ पर जो हमारे पंजाब के हैं या और मज़ीद बुढ़े जो हैं जो यहाँ के वेदर को नहीं सहार पाते तो वो अक्टूबर नवंबर में निकल जाते हैं अपने इंडिया पाकिस्तान या जहाँ के भी हैं वो चले जाते हैं। अच्छा लोगों ने एक क्वेश्चन था कि ये कितना मिल जाता है। देखें CPP दो तरह की पेमेंट होती है कि ओल्ड ये कहलाता है OLS के नाम से, ओल्ड एज OAS कहलाता है पेमेंट या समथिंग लाइक दैट, ओल्ड एज बेनिफिट्स या ओल्ड एज सिक्योरिटी। तो और दूसरी पेमेंट होती है CPP की, कैनेडा पेंशन प्लान। तो कैनेडा CPP जो है जितना आपने सारी उम्र में कटवाया होता है उसी हिसाब से आपको मिलता है, और वो डिपेंड करता है कि कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी एक होता है। तो जिस तरह मैंने अगर आपने कुछ कटवाया ही नहीं है सिरे से फ़र्ज़ किया, एक आदमी उसकी बहुत ही मिनिमम डिडक्शन हुई है तो उसको मिलेगा 125-150-200 डॉलर के करीब। और ओल्ड एज OAS ओल्ड एज सिक्योरिटी जो है वो तकरीबन मिनिमम वर्स कम वर्स जो है ना, अगर आप मिनिमम सैलरी पर भी जा रहे हैं और आपने ज़्यादा नहीं क्या नाम है आपकी, अच्छा हाँ ये बेस्ड ऑन योर लास्ट ईयर इनकम के ऊपर भी है, अप टू 70,000 अगर आपने डिक्लेयर की भी है पिछले साल की उसके अंदर, तो मिनिमम आपको मिलता है 1,000 से 1,200 डॉलर। तो वर्स कम वर्स जो है ना मैंने देखा है 1,200 से 1,300 डॉलर जो एक बुढ़ा जो है ना खा जाता है। एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, मैं बड़ा स्ट्रीट लैंग्वेज की बात करता हूँ। तो एक आम बड़े मियाँ या बड़ी भी अगर उन्होंने कोई काम वाम नहीं किया सारी उम्र तो तकरीबन 1,000-1,200 के करीब मिल जाता है। तो चलें ये क्वेश्चन बड़ा पुराना था जो मैं भूल गया था। अच्छा इसी दौरान में मैं ट्रिलियम का भी जवाब दे दूँ, सॉरी यार व्यूअर इसमें से मैं कमेंट्स देखने के चक्कर में ना मेरी धूप देखें जी छोड़ें मुझे क्या देखेंगे, क्या ज़बरदस्त अभी बारिश हो रही थी और अभी धूप निकल आई, और कितने मिनट की हो गई है आई डोंट नो कितने मिनट की हो गई, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। परवेज़ खान साहब ने कहा अल्लाह आपको हमेशा सेहत याब रखे यो और ऐसी तरह लोगों की हेल्प करते रहें खुशी के साथ, थैंक यू जी आमीन थैंक यू वेरी मच। चलें वियर ये तकरीबन 8-10 कमेंट्स थे जो मेजर थे
क्योंकि इसमें जो बहुत सारे थैंक यू वाले होते हैं, ये वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, उसमें कोई एक आध का मैं जिक्र करता हूँ, मोस्टली का मैं जिक्र नहीं कर, नेरा पे आ गया पाजी, नेरा पे आ गया, तो मोस्टली का मैं जिक्र नहीं करता हूँ। तो चलें इस वीडियो को, अभी एक मुझे वीडियो डालनी है, अभी ये क्या नाम है, इजिप्शियन फेस्टिवल था, उसमें पाकिस्तान का मैंगो स्टॉल था, उसकी वीडियो के साथ ही इसको भी लगा दूंगा, ताकि जो सबसे पहला वाला वो शांतनु क्या थे भाई, हाँ शांतनु त्यागी साहब का, तो उनका भी वो हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि इसको देखने के चक्कर में ना वीडियो इधर से उधर होती है। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।